देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार जुटी हुई है। रिलायंस के जामनगर प्लांट में लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है और वहां से देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में जामनगर प्लांट से 16 टन ऑक्सीजन की खेप सूरत पहुंची। पिछले 3 दिनों से सूरत के कुछ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, जिसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई निजी अस्पतालों को टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी है। तो अस्पतालों को भेजी ऑक्सीजन रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे आई है। सूरत में ऑक्सीजन भेजी गई है और ये जामनगर से टैंकर आए हैं जो कि अब ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है और इसी कड़ी में जामनगर प्लांट से 16 टन ऑक्सीजन की खेप सूरत पहुंची। पिछले 3 दिनों से सूरत के कुछ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई निजी अस्पतालों को टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी है। कोरोना महामारी के इस दौर में जब अपने पराए हो जाते हैं तो ऐसे में नोएडा पुलिस ने अपना मानवीय चेहरा दिखाकर सामने आने की हिम्मत दिखाई है। नोएडा थाना सेक्टर 20 के तहत सेक्टर 19 में रहने वाले 52 साल के एक शख्स की घर पर ही कोरोना से मौत हो गई। कई घंटे तक शव घर में ही पड़ा रहा, लेकिन ना तो कोई रिश्तेदार और ना ही कोई पड़ोसी मदद के लिए आगे आया। मरने वाले शख्स के घर पर मौजूद बेटी और पत्नी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका अंतिम संस्कार करवा पाते। ये खबर जब सेक्टर 19 की चौकी के कार्यवाहक प्रभारी हरि सिंह को पता चली तो वो मौके पर अपने पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ शव को कंधा दिया बल्कि उसे अंतिम निवास तक पहुंचाने का सारा इंतजाम भी किया।